सभी आयु वर्ग के लोगों का बहरापन दूर करने की अत्याधुनिक मशीन RKENT हॉस्पिटल सुपेला में उपलब्ध है। बहरेपन की समस्या से जूझ रहे सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है। अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब डॉक्टर रतन तिवारी द्वारा अपने सुपेला स्थित RKENT हॉस्पिटल में बहरेपन की समस्या को दूर करने अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जो विभिन्न रेंजों में उपलब्ध हैं। बहरेपन की समस्या से जूझ रहे अनेकों मरीज इस मशीन का लाभ उठाने प्रतिदिन दूर दराज के क्षेत्रों से डॉक्टर रतन तिवारी के अस्पताल पहुँच रहे हैं। यहाँ डॉक्टर रतन तिवारी द्वारा अस्पताल में मौजूद अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों की मदद से मरीजों की जांच और उपचार कर उन्हें बहरेपन की समस्या को दूर करने मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी आयु वर्ग के लोग जो बहरेपन की समस्या से पीड़ित हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। बहरापन होने के कारणों, इसके उपचार और मशीन की उपयोगिता को लेकर डॉक्टर रतन तिवारी ने जानकारी दी। देखिए, ऐसा है कि यदि किसी भी मरीज को सुनाई में कमी है, तो सुनाई में कमी के मुख्य रूप से चार कारण रहते हैं। या तो पर्दे में कुछ खराबी हो, छेद हो, या कान के अंदर सुनाई की छोटी छोटी हड्डियां हैं वो आपस में चिपक गई हो, और मुख्य रूप से यह यदि उम्र के हिसाब से कान के सुनाई का यंत्र जिसको कॉकलिया कहते हैं उसमें कुछ खराबी हो, या सुनाई की नस जिसे कॉकलियर नर्व कहते हैं जो दिमाग के अंदर जाती है उसमें कुछ खराबी हो। आमतौर पर यदि पर्दे में छेद है तो वो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है और सुनाई वापस आ जाता है, यदि कॉकलिया और जो सुनाई की नस है वो ठीक हो तो। यदि कान के अंदर की हड्डियों में कुछ खराबी हो वो भी ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। कभी कभी पिस्टन इम्प्लांट करते हैं, उससे सुनाई आ जाता है। किंतु यदि कान का जो सुनाई का यंत्र है जिसको कि इनर ईयर में कॉकलिया बोलते हैं या कॉकलियर नर्व बोलते हैं जो कॉकलियों को ब्रेन से जोड़ती है, उसमें यदि कुछ खराबी हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे आजकल ये जो डीजे वीजे बहुत ज़्यादा लोग सुनने लग गए हैं उसकी वजह से हो, या उम्र की वजह से हो, डीजे और ये जो हाई साउंड है इससे तो बहुत कम उम्र में भी बच्चों का या इवन जवान लोगों का कॉकलिया खराब हो जाता है, सुनाई की नस डैमेज हो जाती है, तो उनको भी मशीन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि उम्र के हिसाब से भी कॉकलिया या सुनाई का यंत्र कुछ खराब हो गया हो, नस खराब हो गई हो, तो सुनाई के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। सुनाई की मशीन लगाने के पहले हमेशा जो है वो मरीज़ को कान के विशेषज्ञ के पास जाकर अपने सुनाई की जांच, जिसको कि ऑडियोमेट्री बोलते हैं, वो करवाना चाहिए। ऑडियोमेट्री के हिसाब से विभिन्न अलग अलग प्रकार की मशीनें लगाई जाती हैं जिससे वो अच्छे से उनको प्रॉपरली ठीक से सुनाई आ सके। मुख्य रूप से तीन प्रकार की मशीनें आती हैं। एक तो बॉडी टाइप की रहती है जिसमें कि ऐसा एक मशीन रहती है, ये तार से ये रिसीवर कान में लगता है, तो इसको बॉडी टाइप की मशीन कहते हैं। और ये सस्ती आती है, 2-3 हज़ार से शुरू होती है, 5-5.5 हज़ार तक आती है। तो इसमें एक पार्ट का एक ये शर्ट में लगाया जाता है और एक पार्ट कान के नली में रिसीवर लगाया जाता है, तो एक ऐसी मशीन आती है। दूसरी फिर कहा जाता है बिहाइंड द ईयर लगती है, कान के पीछे लगती है, तो इसका ये वाला पार्ट जैसा कि फ़ोटो में आपको पहले वीडियो में बताया है कान के पीछे लगता है, और ये वाला पार्ट कान के नली के अंदर लग जाता है। तो ये कॉर्डलेस मशीन रहती है और इससे तार वार इसमें कुछ नहीं रहता है, तो मरीजों को कम असुविधा होती है। तीसरे प्रकार की जो लेटेस्ट मशीनें आती हैं वो इस तरह की आती हैं जिनको कि CIC बोलते हैं, कंप्लीट इनसाइड द कैनाल। तो ये मशीन कान के नली में डायरेक्ट फिट हो जाती है। कंप्यूटर से इनका कितना ऑडियोमेट्री है, कितना लॉस है, उसके हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है जिससे कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का साउंड मरीज़ के कान में पहुँचे और उसको अच्छे सुनाई का आभास। इसमें बैटरी वाली भी आती है जिसमें छोटी बैटरी लगती है और चार्जेबल भी आती है। चार्जेबल थोड़ा सा महंगी रहती है, बैटरी वाली जो मशीन है वो थोड़ा सा सस्ती रहती है।
गौरतलब है कि प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी के पास कान नाक गला रोग से संबंधित उपचार कराने दुर्ग जिला ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी लोग पहुंचते हैं। यहां आए मरीजों का अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों की मदद से उपचार और ऑपरेशन किया जाता है। यही कारण है कि सुपेला स्थित डॉक्टर रतन तिवारी के ENT हॉस्पिटल में कान नाक गला रोग से पीड़ित मरीजों की लंबी लाइन प्रतिदिन देखने को मिलती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।